नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आओ वास्तु सीखें। इस श्रृंखला के अंदर मैंने आपको बताया कि जमीन कितनी प्रकार की होती है और कौन सी शुभ और कौन सी अशुभ होती है। उसके अंदर जमीन के अंदर जो जो गुण और अवगुण होते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया। अब आज मैं आपको जमीन की, भूमि की परीक्षण के बारे में बताता हूं। वो तो हो गई दिशाओं के हिसाब से, किधर उठी हुई है, किधर झुकी हुई है, वो चीजें मैंने आपको बताई कि ब्रह्माणी है, क्षत्राणी है, वैश्याणी है, शूद्राणी है, कौन सी जमीन है। लेकिन अब उसके साथ साथ उसके रंग को देख करके भी पहचाना जा सकता है कि ये जमीन हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। एक जमीन होती है जिसकी मिट्टी काली होती है, कठोर होती है, वो जमीन मकान बनाने के लिए बहुत बढ़िया होती है। एक जमीन होती है लाल वर्ण की होती है और वो भी सख्त होती है, तो वो भी मकान बनाने के लिए शुभ होती है। लेकिन एक जमीन ऐसी होती है जो भुरभुरी होती है, जिसमें बालू बहुत ज्यादा होती है, वो जमीन ज्यादा शुभ नहीं होती। अब आगे मैं उस भूमि का ही परीक्षण बता रहा हूं कि ये भूमि हमारे लिए कितनी शुभ है, कितनी अशुभ है। तो ये एक प्लॉट है और अब इस प्लॉट को आप अगर ये देखना चाहें कि ये हमारे लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, तो उसके मध्य के अंदर एक हाथ का यानी 1.5 फुट, तो 1.5 फुट गहरा, 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट जो है लंबा, ऐसे चौड़ाई लंबाई मिला करके और गहराई मिला करके 1.5 फुट, और उसकी खुदाई कीजिएगा और खुदाई करके उसी मिट्टी को वापस उसके अंदर दबा दबा के आप भर दीजिए। जब आप उस मिट्टी को वहां पर भरेंगे और वो जो गड्ढा है अगर वो भरने के अंदर अगर कम रह जाए, यानी मिट्टी कम रह जाए, तो उस जमीन को मत खरीदना, वो नुकसानदायी जमीन होगी। और उस जमीन को उसी मिट्टी से हमने भरा और भरने के ऊपर दबा दबा के, ठोक ठोक के हमने भरा और वो बिल्कुल लेवल पर आ गई, तो वो जमीन सो ठीक ठीक है, ले सकते हैं। लेकिन अगर उसी गड्ढे के अंदर उसी मिट्टी को जब हम भरते गए और खूब दबा दबा के भर दिया, लेकिन फिर भी मिट्टी उभर रही है, एक्स्ट्रा बाहर निकल रही है, पूरी तरह से अंदर जा नहीं रही, तो वो जमीन बहुत ही शुभ होती है। उस जमीन को खरीद लीजिएगा या उसको खरीदने की सलाह हम दे सकते हैं। तो ये एक परीक्षण हुआ भूमि का। अब दूसरा परीक्षण लीजिए। एक परीक्षण मैंने कलर से बताया, रंग से बताया, एक परीक्षण मैंने इस प्रकार से बताया। अब एक परीक्षण मैं आपको और बता रहा हूं। उसी जमीन के अंदर वो जो गड्ढा हमने 1.5 फुट का खोदा, मिट्टी को अलग कर दीजिए, उसको पानी से भर दीजिए और पानी से भरने के बाद आप 100 कदम उत्तर की तरफ चलिए और जाकर के वापस आप आ जाइए उसी गड्ढे के पास में और आकर के उसको देखिए। जब उसको देखेंगे अगर उसके अंदर पानी है, 3 परिस्थितियां उसके अंदर आपको प्राप्त होंगी, या तो पानी है, या पानी खत्म हो चुका, या फिर मिट्टी में दरारें पड़ गई। ये 3 जो हैं उसके लक्षण हैं। अगर मिट्टी में पानी सोख दिया गया, अंदर सूख गया और मिट्टी में दरारें पड़ गई, उस जमीन को मत खरीदना। कारण कि वो आपको दरिद्रता की तरफ ले जाएगी, गरीबी की तरफ ले जाएगी, वो आपका उत्थान नहीं कर पाएगी। अब दूसरे नंबर पर पानी भी सूख गया लेकिन दरारें नहीं पड़ी, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जमीन शुभ शुभ है, बहुत शुभ नहीं है, शुभ शुभ है, उसको आप खरीद सकते हैं। साधारण जीवन जीने के लिए वो जमीन बहुत ठीक है। लेकिन अगर पानी अभी भी उसके अंदर बाकी है, यानी जो हमने 1.5 फुट का जो गड्ढा खोद करके पानी डाला था और उस पानी के अंदर 0.5 फुट पानी कम हो गया, 1 फुट पानी कम हो गया, या थोड़ा 1-2 इंच पानी उसके अंदर अगर बैलेंस है, वो जमीन बहुत ही शुभ है, उसको खरीद लीजिएगा। वो जमीन अति शुभ होगी, अति उत्तम होगी।
एक चौथा परीक्षण और दे रहा हूं। उसी जमीन के अंदर आप एक गाय को लाकर के छोड़ दीजिएगा और गाय अगर आकर के बैठ गई वहां पर इस प्रकार से, जैसे छटपटाहट उसके अंदर नहीं हुई, वो सामान्य स्थिति के अंदर है, और वहां पर बैठ करके और जुगाली करने लग जाए, यानी जो कुछ खाया हुआ होता है उसको वो मुंह से जो है चबाती रहती है, तो जुगाली अगर करने लग जाए उस जमीन को खरीद लीजिएगा, किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। और अगर गाय वहां पर आए और वो जो है चमक जाए या घबराहट गाय को हो या वहां से भागने लगे, उस जमीन को मत खरीदना। एक परीक्षण और बता रहा हूं, और वो परीक्षण यह है, उसकी दीवारें अगर ऊंची ऊंची हैं तो एक बिल्ली को लाकर के छोड़ दीजिए। अगर बिल्ली वहां पर ना टिके और भाग जाए तो वो जमीन बहुत शुभ है, लेकिन बिल्ली अगर वहां पर बैठ गई तो उस जमीन को मत खरीदना। वो जमीन आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए रहने के योग्य नहीं होती। ये कई परीक्षण मैंने आपको बताए, इन परीक्षणों के माध्यम से जमीन को पहचानिए, जानिए, फिर खरीदिए और फिर उसके ऊपर आगे का वास्तु आगे चलेगा। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये तीन पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम, और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये दो नंबर की पुस्तक, और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन तीन पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि, रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।